ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्लास है आज दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लेंगे आज 2/12। उसमें जो गूढ़ बातें छिपी हुई हैं कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आज का गीत जो है वो इस पर निर्भर है कि तुम समझ पाते हो कि नहीं इस पूरे श्लोक का अर्थ। श्लोक जो है बड़ा विलक्षण है और ये दिया हुआ है दूसरे अध्याय के 12वें नंबर पर। दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग है। सांख्य योग के 12वें अध्याय में जब अर्जुन कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब भगवान उसको एक अच्छी खासी रेप्रिमेंडिंग वो देते हैं कि ये मत सोच कि तेरे तू ना शोक करने या कि मनुष्य के लिए शोक करता है। पंडितों के से वचन कहता है भाई तू मत ये सोच कि ये तेरे हट जाने से युद्ध नहीं होगा या तेरे हट जाने से कोई समस्या का समाधान निकलेगा। तो जो श्लोक है वो ये है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं कि तू किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं भी था तू भी था और ये राजा लोग जो यहाँ युद्ध कर रहे हैं ये भी थे, और न ऐसा है कि आगे भी ये सब नहीं रहेंगे, नहीं सही ये लोग भी रहेंगे। अभिव्यंजनाओं से भरा हुआ श्लोक है, तो इसी श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, जो हम देते हैं वही मिलता है, जो हम भावनाएं देते हैं वही हमको बदले में लौट के मिलती हैं, चाहे अगले जन्म में मिलें चाहे इसी जन्म में मिलें। जो हमारे मन में देने की भावना आती है उसको कहते हैं यज्ञ जीवन, यज्ञ भावना। यज्ञ के निमित्त दिया गया एक दान, भावनाओं का दान, कर्म का दान, जो भी कुछ हम करते हैं किसी के निमित्त, समाज के निमित्त, समष्टि के निमित्त, ब्रह्मांड के निमित्त, परमपिता परमात्मा के निमित्त या इस इकोलॉजी के निमित्त, उसके बदले में हमको खुद लौट करके हमें मिलता है सारा का सारा। तो इसको इस गीत के माध्यम से बताया गया है। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। भूखंड सुंदर यज्ञ कुंडों से
प्रखर हर संगठन के अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हर भावना मंगल कलश सी भावना मंगल कलश सी शांति सुख कर दीजिए हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। कलुष तन मन वचन के अंग सब इस देह के हो उपकरण दैनिक हवन के देवताओं को करें सत्कर्म की आहुति समर्पित देवताओं को करें सत्कर्म की आहुति समर्पित सौम्यता की शर्करा हो स्नेह का निर्मल नवल कृत सौम्यता की शर्करा हो स्नेह का निर्मल नवल कृत हो वसोधारा न खंडित हो वसोधारान खंडित हृदय उर्वर दीजिए हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए हे प्रभो जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सफल पूर्णाहुति वही है मंत्र हो सिद्धांत जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही है आरती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत में आरती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत में शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में शंख सी गूंजे विजय की ध्वनि हमारे पुण्य पथ में युग नया रच दे अही युग नया रच दे अही संकल्प दृढ़ कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए सृष्टि को सुरभित करे हम सृष्टि को सुरभित करे हम शक्ति वह भर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए प्रभु यज्ञमय कर दीजिए प्रभु यज्ञमय कर दीजिए। बहुत ही विलक्षण प्रार्थना का भाव छुपा हुआ है इसमें कि यज्ञ मात्र कर्मकांड नहीं है स्वाहा स्वाहा नहीं है यज्ञमय जीवन यज्ञ के निमित्त जीना यज्ञ के निमित्त जीना मतलब ऐसा कुछ कि जिससे कि हम देते हुए चलें जितना हम देंगे बदले में उतना ही हमें मिलेगा ये इसका भाव था और इसमें व्याख्या थी परिभाषा थी आरती की हमारे वसुधारा की हमारी पूर्णाहुति की हमारी आहुति की सब चीज़ की ये गीत मुझे बहुत पसंद है बहुत प्रिय है। आज के कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न हैं
लोभ और कामना में क्या अंतर है? जब कामना जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें दिन रात बेचैन करती रहती है, वो लोभ बन जाती है, वो लोभ बन जाती है। कामना किसी की भी हो सकती है, कामना पानी बरसना चाहिए, ये मेरी भी कामना है कि पानी बरसना चाहिए समय पर, मेरी भी कामना है कि धूप इतनी नहीं पड़नी चाहिए, कम पड़नी चाहिए। पर जब मैं उसको अपने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के रूप में लूँगा तो वो लोभ बन जाएगी, लोभ। और लोभ जो है वो आदमी को बेचैन कर देता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और ये जो टू हैव इन प्लेंटी, आज जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो एक मंत्र बना लिया है अपना सफलता का, वो ये बना लिया है कि आदमी के मन में ग्रीड है, ग्रीड यानी लोभ, और वो ग्रीड लालच जो है उसकी वजह से उसी को एनकेश करो, बार बार एनकेश करो, बार बार उसी को भुनाओ। तो उसी के लिए वो विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन तरह तरह के होते हैं, विज्ञापन की वैरायटी हजारों लाखों, पूरा डिपार्टमेंट है विज्ञापन का एक, जिसमें कि लोग पीएचडी करते हैं, लोग उसमें मास्टर्स करते हैं और उसके बाद फिर उनके माध्यम से जॉब लेते हैं और अपना प्रॉस्पेक्ट्स बनाते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी कामना को ग्रेड में बदलते हैं, और कामना बुरी नहीं है, कोई कामना अगर मन में है तो बुरी नहीं है, पर ग्रीड बुरा है, लोभ बुरा है। वायु और प्राण में क्या अंतर है? सिंपल वायु जो है वो तो अपन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सिंपल वायु जो है वो बहती रहती है निरंतर। वायु के समान गतिशील, वायु के समान गतिमान, वायु के समान गतिशील कोई चीज़ नहीं हो सकती। पवन पुत्र हनुमान को हम क्या कहते हैं? पवन पुत्र, वायु की गति से चलते थे। और एक प्रकार से कहा जाए तो उस पवन के पुत्र भी थे, पवन देवता के पुत्र भी थे। तो ये जो पवन देवता हैं, वायु देवता जो हैं, इनमें वो प्राण विज्ञान था कि प्राण जो है वो शक्ति का प्रतीक है। प्राण हमारे अंदर शक्ति के रूप में संचरित होता है। प्राण जब वायु अभिमंत्रित हो जाती है और आध्यात्मिक रंग ले लेती है तब वो प्राण बन जाती है। वायु अभिमंत्रित होकर और आध्यात्मिक रूप लेकर के हमारे अंदर प्राण बन जाते हैं, फिर वो हमें नस नाड़ियों में दौड़ती है। वही प्राण जब समष्टि में होता है तो समष्टिगत प्राण कहलाता है, पूरे के पूरे विश्व में छाया हुआ, आकाश में छाया हुआ, बादलों के बीच छाया हुआ, और ऊपर से बरसता है, पर्जन्य बन के बरसता है। वायु यज्ञ के माध्यम से हम जब आमंत्रित करते हैं तो वो पर्जन्य बन के बरसता है, और पर्जन्य जब बरसता है तो जो चीज़ें होती हैं बड़ी पौष्टिक होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जो प्रोडक्ट होता है हमारे देश में, हमारी मिट्टी में, हमारे जलवायु में पैदा होता है, वो बहुत उर्वर क्षेत्र में पैदा होता है, क्यों? पर्जन्य की वजह से। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना करने से क्या फ़ायदे हैं? देखो, प्रार्थना एकमात्र हथियार है भगवान से बात करने का, और कोई है ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप विनम्र होकर के याचना करते हैं, और याचना में आपका भाव जोड़ देते हैं आप कि हम, हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, हम ये प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना जो है ये सबसे बढ़िया माध्यम है भगवान से बातचीत करने का, भगवान से संवाद स्थापित करने का, भगवान से मिलने का, और भगवान के साथ एक तालमेल स्थापित करने का भगवत सत्ता से। भगवान कौन है हमने नहीं देखा, हमको नहीं मालूम उनका स्वरूप कैसा है, पर अगर भगवत सत्ता को हमें अपनी बात पहुंचानी है तो एक ही तरीका है, हम उनको अपनी प्रार्थना के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएं, और वो प्रार्थना भाव भरे शब्द में हो सकती है, या काव्यात्मक अभिव्यक्ति में हो सकती है, गीत के माध्यम से, या अश्रुपात के माध्यम से हो सकती है। अश्रुपात, एक आदमी था जो मंदिर के बाहर बैठा, आंसू बहा रहा था और हारमोनियम बजा रहा था, और जो वो गा रहा था वो एक प्रार्थना थी। तो वहाँ से एक महाराज निकले जिनके शिष्य थे चार पांच, उनके साथ शिष्यों ने पूछा, महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारा जो भाई था ये रो क्यों रहा था? बोले, उसी से पूछते हैं भाई, क्यों तुम क्यों रो रहे थे? बोले, भगवान को अपनी बातें प्रस्तुत कर रहा था, भगवान को अपनी अपने वचन प्रस्तुत कर रहा था। पर भाई, जो तुम गा रहे हो ये तो गलत गा रहे हो, इसमें शब्द गलत है, मंत्र वाक्य गलत, व्याकरण गलत है, और जो तुम गा रहे हो स्तुति ऐसी तो नहीं, स्तुति तो ऐसी है, इस तरह की है। वैसा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम।
भगवान मुझसे ज़्यादा विद्वान है, और भगवान को मैं ये कह रहा हूँ इस स्तुति के साथ कि भगवान आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, आप इसको इन अक्षरों को सही सही जगह रख दीजिएगा और सुन लीजिएगा। मैं तो नहीं कह सकता, पर आप इन अक्षरों को एक एक, एक अगर मान लो एक पहले नंबर पे आता है, वो नौ नंबर पे आता है, और मैंने अगर सात नंबर पे कह दिया हो या दो नंबर पे कह दिया हो, तो आप रख लीजिए सही सही जगह। गुरुजी बोले देखो ये है असली प्रार्थना, भाव भावो ही विद्यते देव तस्मात भावो ही कारणम। जब भावना होती है वहाँ याचना में कामना में प्रार्थना में एक बल आ जाता है। और जो आज लोग बोलते हैं अरे इतना ज़्यादा मंदिरों में पंडे पुजारी सब के सब ढेर सारे कितना ही मंत्र उच्चारण करते हैं पर उनमें बल नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें प्राण नहीं होता। नैतिक शिक्षा समाप्त क्यों होती जा रही है? बेटा नैतिक शिक्षा इसलिए समाप्त हो रही है कि इसका बाहुल्य अब हमारे देश में और पूरे विश्व में कहीं भी जो पहले होता था भारतीय संस्कृति का जो प्रशिक्षण था शिक्षण था वो हर चीज़ में घुला हुआ रहता था, हर शिक्षा में घुला हुआ रहता था, वो समाप्त हो गया। अब क्या है हम लोगों को केवल चूँकि कमाना है पेट भरना है इसलिए हम पढ़ते हैं, पर नैतिक शिक्षा जो है वो हर चीज़ में गुथी हुई थी, व्यवहार में आचरण में माता पिता से बातचीत में टीचर्स शिक्षकों से बातचीत में आपस में एक दूसरे से बातचीत में। अब गालियाँ हो गई, अब तो गालियों के माध्यम से बात करते हैं। ये ज़माने का एक जो पराभव होता है वो उसकी वजह से है। युग बदलने वाला है इसलिए उसके पहले जैसे दीपक बुझने से पहले बहुत तेज से तेजी से जलने लगता है उस तरह का स्वरूप दिख रहा है। इन दिनों हम देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई घटना ऐसे घट रही है, 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे 7 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी गैंगरेप टाइप की घटना घट रही है। मालूम नहीं क्या हो गया मानवता को। तो ये मानवता पूरी की पूरी सब समाप्त होने जा रही है, उसके पहले ये इसका स्वरूप है ये। बस अब इसके बाद फिर भगवत सत्ता प्रज्ञा अवतार के रूप में आएगी और बदलेगी सारे समाज जमाने को। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि कौन सी कितनी है? बहुत सारी योनियाँ मनुष्य योनि हैं, बहुत सारी देवता मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं, बहुत सारे पितर मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में अपन नहीं गिन सकते कितनी होती हैं, पर जो होती हैं वो अपना काम करती हैं, जो देवता जैसा आचरण करते हैं वो देव सत्ताएँ बन जाती हैं। तो मनुष्य योनि जो है वो केवल इसी भी रूप में नहीं है, तुम तो मनुष्य के रूप में गुरुदेव ने 5 योनियाँ 5 बताए हैं स्वरूप। एक बताया है नर पशु, एक बताया नर पिशाच, एक बताया नर कीटक, एक बताया नर मानव, एक बताया देव मानव। 5 ग्रेड बताएं, ये ग्रेड्स हैं। नर होते हुए भी पशु का आचरण, नर होते हुए भी पिशाच का आचरण, नर होते हुए भी कीटक का आचरण कीड़े का आचरण। ये जो है ये हमको समझना पड़ेगा कि नर चोला धारण करने से कोई बदलता नहीं। कहते हैं कि आत्मा हमेशा पवित्र होती है, बस विचार ही अच्छे या बुरे होते हैं। फिर भूत लोगों को बुरी आत्मा क्यों कहते हैं? भूत होते हैं क्या? होते हैं? अच्छा तुम क्या सब मान रहे हैं, तुम मानो भूत होते हैं क्या? होते हैं ना। मैंने किताब लिखी थी 1983-84 में गुरुदेव की बताई हुई प्रेरणा के आधार पर, भूत होते हैं और क्या करते हैं, कैसे होते हैं क्या भूत होते हैं कैसे होते हैं क्या करते हैं, अभी भी अवेलेबल है वो बुक, वो और उसमें कई प्रमाण दिए थे। तो भूत जो है वो जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा अपनी विक्षुब्धताओं को लेकर आती है वो भूत हो जाती है। भूत अपन कहते हैं ना भूत यानी पास्ट, तो जो चला गया वो भूत है। हम क्या करते हैं उससे चिपके रहते हैं, पास्ट से चिपके रहते हैं, तो भूत हमसे चिपका रहता है, हम भूत से चिपके रहते हैं। चिपको मत, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब हम भूत से चिपक जाते हैं तो फिर हम उसके साथ ही रहने लगते हैं, उसी के साथ धारण करते हैं। भूत अच्छे होते हैं, भूत अच्छे भी होते हैं। तुलसीदास जी जब लघुशंका के लिए जाते थे तो वहाँ पर एक पानी डाल देते थे अपनी एक वृक्ष के ऊपर। उनको अंदाज भी नहीं था कि वो जो 5 साल तक करते रहे उससे एक दिन भूत निकल आएगा। उसमें से एक भूत निकला, उसने कहा महाराज प्रणाम आपको, मैं एक अभिशप्त योनि का भूत हूँ और मुझे श्राप मिला था कि तुम भूत रहोगे जब तक तुमको एक साधु संत आकर के तुमको मुक्त न कर दे। तो आपने मुक्त कर दिया भाई, मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम भूत हो, पर तुम मुक्त हो गए तो तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, जाके अच्छा काम करो ताकि तुम्हारा फिर से जन्म हो मनुष्य योनि में।
पर नहीं साहब, वो मैं अगर अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसको सब मालूम है, मैं थोड़ा समय लगेगा जन्म लेने में। उसके बाद वो बोलता है, भूत बोलता है कि महाराज कोई आपको कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए, मैं इस समय देने की स्थिति में हूँ आपको। तो तुलसीदास ने सोचा, बोले हाँ ये बात तो सही है, भूत जो है वो देने की स्थिति में होते हैं। तो उन्होंने कहा, देखे भूत देवता, आप हमें हनुमान जी के दर्शन करा दीजिए। तो बोले मैं नहीं दर्शन करा सकता, मैं बता सकता हूँ वो कहाँ मिलेंगे, मैं बता सकता हूँ कहाँ मिलेंगे। अच्छा ये बता दो कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे। बोले ये भी बता दूंगा। तो उसने बताया भूत ने कि वो बनारस के इस मंदिर में रोज आते हैं और इस जगह बैठते हैं और कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, राम कथा रोज होती है वहाँ पे, उस राम कथा को रोज सुनते हैं। वो कोड़ी के रूप में आते हैं, अगर आपको उनका आशीर्वाद चाहिए तो आप उनके पैर पकड़ लीजिएगा। इतना कह के भूत भाग गया, बस चला गया। उसने अपनी बात कह ली और उनको दे दिया। अब वो तुलसीदास जी गए, उन्होंने देखा वास्तव में भूत सही कह रहा था, एक कोड़ी आया, कथा चालू होने वाली थी और कोड़ी आया बैठ गया, इन्होंने जाके पैर पकड़ लिए। अब चूंकि कोड़ी था तो जगह जगह से गलित कुष्ठ था, जगह जगह से पस निकल रहा था जगह जगह से, तो उन्होंने कहा हाथ छोड़। तो बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ आप हनुमान जी हो ना। तो बोले हाँ मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, बोल। तो हनुमान जी बोले क्या चाहिए तुझे। बोले मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करना है। तब फिर उन्होंने भगवान राम का स्वरूप बताया, भगवान राम कहाँ मिलेंगे। फिर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तुमको संभालूंगा पूरा पूरा। तो तुलसीदास जी का उद्धार इस तरह से हुआ, भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। तो ये जो भूत लोग हैं ये कहीं नहीं हैं, हमारे चिंतन में बैठे बैठे हमें आक्रांत करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न चोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे स्टाफ के सदस्य, आज जो श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कई बार लोगों को लगता है संस्कृत बड़ी टफ है, कठिन, परंतु अगर इसको संधि विग्रह कर लेंगे तो हो जाएगा। अब तुम लिखो अपनी डायरी में, न तु एव अहम, न तु एव अहम, न तो ऐसा है ऐसा ही है कि, न तो ऐसा ही है, इसका अर्थ है न तो ऐसा ही है कि अहम मैं जातु, जातु यानी किसी काल में जन्मा, किसी काल में जन्मा था, न आसम त्वम न आसी, न ही न न आसम त्वम न आसी, इसको लिख लो तुम, न आसम न यानि नहीं, आसम यानि था, त्वम यानि तू, न यानि नहीं, आसी यानि था, फिर था। तो ये आसी शब्द जो है उसका मतलब है था, न ऐसा है कि मैं इस काल में नहीं था अथवा तू इस काल में नहीं था। अहम अपने बारे में बोलते हैं, मैं इस काल में नहीं था ऐसी बात नहीं, मैं हर काल में था, तू भी उस काल में था पिछले काल में। और इमे जनाधिपा, ये जो राजा लोग हैं ये लोग भी थे उस जमाने में जो आज यहाँ खड़े हैं, नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, न एव अतः, अतः यानी इससे, परम यानी आगे, वयम यानी हम, सर्वे यानी सब, न भविष्याम हम रहेंगे, हम इसके बाद नहीं रहेंगे, इसी जन्म में जितना मिलना है मिल लो, गले मिल लो, मालूम नहीं अगले जन्म में मिले नहीं मिले, ऐसा मत सोचो। इस जन्म के बाद भी अगले जन्म में और भी कई जन्मों में हमारी यात्रा होगी तो हम कई बार मिलेंगे,
ये इसका शब्दार्थ है। अब इसको जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका जो भावार्थ है वो है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम किसी काल में नहीं थे, और न ही ये राजा लोग। तात्पर्य है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम न थे, जब मैं न था, ऐसा कोई समय था जब ये राजा लोग न थे जो सामने खड़े हैं। भविष्य में कभी ऐसा होगा ही नहीं। ये जीवन का सत्य है, जीवन का विज्ञान है, जीवन का सत्य। हमको कई बार लगता है अपने बारे में, अपने साथ चलने वाले लोगों के बारे में, ये नहीं रहा तो, मैं नहीं रहा तो, ऐसा सोचना ही नहीं। जो रिश्ते नाते जो लोग हमको दिखते हैं, हमारे आसपास हैं, हमसे जुड़े, हमसे संबंधी हैं, हमारे सगे हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में आते जाते रहते हैं, किसी न किसी रूप में आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। आज का रूप कोई तो कल का रूप कोई, कल यानी अगले जन्म का रूप, आगे का रूप कोई। भगवान कहते हैं कोई भी समय ऐसा नहीं था जब तुम और मैं नहीं थे। भगवान तब भी थे, अर्जुन तब भी था, नर और नारायण के रूप में भी थे अर्जुन और कृष्ण, और ये जो सामने खड़े हैं ये लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ये लोग भी थे। काल चक्र में परिवर्तन वर्तमान परिस्थितियों का होता है, परिवर्तन परिस्थितियों का होता है, परिवर्तन अस्तित्व का नहीं होता। अस्तित्व होता है, होता है, अस्तित्व होता है। देखने की बात यह है कि हमने क्या सृजन किया है, हमने व्हाट वी हैव क्रिएटेड, हमने क्या किया है, हमने अपने इर्द गिर्द क्या लपेटा है। जीवन में कुछ तत्व तो शाश्वत होते हैं और कुछ तत्व सामयिक होते हैं, कुछ तो कांस्टेंट होते हैं शाश्वत, और कुछ होते हैं सामयिक, समय पर समय समय आने पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसा है जो बदल जाता है, परिवर्तनशील होता है, कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता। हमारे अस्तित्व का नाश कभी नहीं होता। ये जो शरीर है ये मरण धर्म है, पर ये चला जाएगा, परंतु इसके साथ हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए जितने गुण हैं, जितने भी हमने संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो सब रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। फिर भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन का एक ही नियम है, हमारे भाव और कर्म के अनुसार, भाव और कर्म के अनुसार। हमारी भावनाएं क्या हैं, किस भावना से हमने कर्म किया है, किस भावना से हमने कोई काम किया है, कोई भाव, किस भाव से हमने बोला है, किस भाव से हमने कोई कर्म किया है। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कर्म हमारे अस्तित्व से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब तक कि उनका भोग, उनका परिपाक होकर उनका परिणाम सामने नहीं आता, तब तक जुड़े रहते हैं। ऐसा कहते हैं कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, कृष्ण मथुरा में पैदा, मालूम है ना, कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर स्वयं कृष्ण। फिर नंदगांव में रहे, वहाँ से नंदगांव ले गए उनको। दुर्गा सप्तशती में एक कथा आती है, बहुत सुंदर है, दुर्गा सप्तशती बहुत पुरानी किताब है, फिर भी उसमें लिखा है, देवी कहती है नंद गोप ग्रहे जाता जाता जातु, लिखा ना जातु, जातु है ना जातक, जन्मना जन्मना जन्म लेना। मैं नंद के घर में पैदा होऊंगी यशोदा के गर्भ से, यशोदा गर्भ संभवा। देवी कहती है मैं नंद गोप ग्रहे द्वापर में नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, मैं यशोदा के गर्भ से पैदा होऊंगी। और ये कैसे संभव होगा, अब ये वो बताती हैं उस श्लोक में। बड़ी प्यारी कथा है, नंद और यशोदा किसी एक जन्म में पति पत्नी थे, भगवती के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उन दोनों ने भगवती कठिन आराधना की, बहुत जप किया, तप किया, कठिन तपस्या की। नंद ने वर मांगा, हे भगवती, हे जगन माता, मैं मुक्ति चाहता हूँ। यशोदा ने वर मांगा पत्नी के रूप में, नंद की पत्नी के रूप में, कि मैं इनको पति के रूप में चाहती हूँ। अब ये कैसे होगा, अगर ये मुक्ति चाहते हैं तो ये पति नहीं बन सकते अगली बार। बड़ा विरोधाभासी भरता है, मुक्त होने का मतलब है सभी संबंधों से, सभी कर्मों से मुक्त, सभी संस्कारों से मुक्त। पति का मतलब है संबंधों का जुड़ाव मांगती थी वो, संबंधों का लगाव। देवी ने कहा दोनों बातें होंगी, ठहर कर होंगी। यशोदा को मैं वर देती हूँ कि ये तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करेगी, यशोदा तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करेगी, और फिर से पति पत्नी के रूप में जन्म लोगे, और तुम्हारी अपनी अपनी भावनाएं पूरी होंगी, और मैं तुम्हारे गर्भ से, यशोदा को समझा रहे हैं, यशोदा को बोलते हैं मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे अंश से जन्म लूंगी, लेकिन तुम्हारा तप है, तुम्हें साधना है, इसलिए न केवल जन्म लूंगी बल्कि स्वयं नारायण तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे पुत्र बनकर, तब यशोदा बनी ना, ये यशोदा जो है जब नंदगांव में रहती है तो वहाँ उनके घर में श्री कृष्ण खेलते हैं, तो भगवान स्वयं विष्णु स्वयं आकर के तुम्हारे घर तुम्हारे गोद में खेलेंगे, तुम्हारे साथ लीला करेंगे, तुम्हारे पुत्र बनकर क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे। इसका वरदान भी देती हूँ तुमको, आदिशक्ति जगन माता के तुम माता पिता बनोगे, इसका तुमको श्रेय जाएगा। स्वयं नारायण उनके भी तुम माता पिता बनने का, अभिभावक बनने का सौभाग्य तुमको प्राप्त होने जा रहा है इस वरदान के नाते।
दुर्गा सप्ती सप्तशती में ये है कि जब जगन माता आदिशक्ति पैदा हुई उसी समय नारायण कृष्ण के रूप में पैदा हुए, इधर जगन माता आदिशक्ति के रूप में पैदा हुई। कहाँ कहाँ पैदा हुई? नंदगांव में। और इधर ये भगवान जो है ये नंद बाबा जो है नारायण कृष्ण के रूप में पैदा हुए, देवकी के घर गए। जब वसुदेव जी उनको गोकुल पहुंचाने आए तो उनका आभास हुआ, यशोदा की कन्या जो कन्या के रूप में थी उसको ले चलें, तो उन्होंने उस कन्या के रूप में उसको ले गए और कृष्ण के रूप में बालक को इधर ले आए। कन्या हाथ, कंस ने जब उसको मारने का प्रयास किया, फिर हो गई तुझे बच्चा हो गया, तो कन्या हाथ से छूट के ऊपर आसमान में गई। तुमने देखा होगा, सीरियल देखा होगा, अरे मूढ़ तू मुझे क्यों मार रहा है, तू तो मुझे मार भी नहीं सकता, तेरा मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया है, तुझे जो मारने वाला गोकुल पहुंच गया है। वो कन्या कंस के हाथों से छूट करके अपने वास्तविक रूप को धारण करके बाद में विंध्याचल में प्रतिष्ठित हुई। विंध्याचल में जो देवी है वो वही देवी है जो भगवान के साथ साथ पैदा हुई थी विंध्यवासिनी बनकर। यशोदा गर्भ से जगन माता ने अवतार लिया था जो आज विंध्यवासिनी के रूप में जानी जाती है। विंध्याचल में उनकी पूजा होती है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, प्रसिद्ध देवी पीठ है विंध्यवासिनी माँ का, इसलिए उसकी मान्यता बहुत है। विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करते हैं लोग तो मांगते हैं बहुत कुछ और उनको मिलता भी है। तो नंद और यशोदा वास्तव में कभी मनु और शत्रुपा के रूप में थे। मनु और शत्रुपा, नंद मनु थे तो यशोदा शत्रुपा थी। तो न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम निमे जनादपा, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम में से कोई नहीं था। परिस्थितियां बदलती हैं, स्वरूप बदलता है, लेकिन सब कुछ बना रहता है। फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रिक्टिबल, है ना? फिजिक्स पढ़ी होगी तुम लोगों ने, फिजिक्स पढ़ी तुम लोगों ने कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऊर्जा दो तरह की होती है, एक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी डायनेमिक एनर्जी होती है, एक स्टैटिक होती है। और जो एनर्जी काइनेटिक है जो चल रही गतिशील है प्रवाहमान है, कुछ ऊर्जा ऐसी होती है प्रवाहमान होती ही नहीं स्थिर रहती है, वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हमारे कर्म इसी तरह से ये जो ऊर्जा है मनुष्य के जन्म लेने की ये डायनेमिक है, चल रही है बराबर। हमारे भाव और विचार जीवात्मा का जो प्रकाश है वो ऊर्जा है जो गतिशील रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कर्म के अनुसार उनकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मिट जाएगा, ऐसा नहीं किसी काल में हम नहीं रहने वाले हैं, लेकिन किस रूप में रहने वाले हैं ये सोचने की बात है। इस पर निर्भर करता है कि हमने क्या तप किया है, हमने क्या पुण्य किया है, हमने क्या किस भाव से किया है और क्या दुष्कर्म किया है, इन सब पर डिपेंड करता है। क्या बुरी भावनाएँ हमने सहज के रखी? आपको लगता है आपने किसी के प्रति बुरी भावना रखी, पर ये आपके लिए नुकसानदायी है। क्यों? क्योंकि आपके अगला जन्म जो होगा उसके साथ जुड़ी हुई हैं चीज़ें। बुरे विचार हमने सहज करके रखे हैं, मन में मलिनता समेटी है, मन को स्वच्छ रखा है या हमने मैला रखा है, ये सोचने की बात है। हम यहाँ से नया समेट करके गए हैं या हम सब कुछ मिटने वाला है ये मान करके कुछ भी ऐसा नहीं किया जो हमने जो बुरा हो, लेकिन हम क्या बनेंगे और क्या होंगे? कहते हैं गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जो हमारे आज के कर्म हैं वो हमारे कल का भाग्य बनते हैं। जो हमारे आज के कर्म हैं वही हमारे कल का भाग्य बनाते हैं। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। हमने क्या कर्म किए हैं, किस भाव से किए हैं, ये हमारा भाग्य निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे बनेंगे, और बुरे बनेंगे तब आपको याद आएगा कि आपने कुछ कर्म ऐसे किए थे जो गलत थे। शुभ भावनाएं मिलती हैं, अशुभ भावनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि बोऊ काटो के सिद्धांत में लिखा है हमारे जो कर्म होते वही मिलते हैं। केवल कर्म नहीं मिलते, बोऊ काटो बो में कर्म बो, सो एज यू सो सो यू रीप, कर्म नहीं, कर्म के साथ साथ भावनाएं भी बोते हैं हम लोग। केवल कर्म नहीं बोते हम, भावनाएं भी बोते हैं, वही मिलती हैं। जिन भावनाओं को बोया, और सबसे गलती हो सकती है कोई हमारा शत्रु भी हो सकता है, कोई हमारा मित्र भी हो सकता है। दोष हमारा ही होता है जब हम कहते हैं किसी को कि उसको दोषी है। हमारे कर्मों का प्रतिफलन, हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे भावों का परिपाक हमारे सामने आता है। हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे ही भावों का परिपाक, हमारे ही कर्मों का प्रतिफल हमारे सामने आता है। जीवन के इस नियम को हम समझ लें तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम जीवन में शुभ की सृष्टि चाहते हैं तो हमें शुभ और शुभ
इसी को बांटना होगा और करना होगा, बांटना होगा और देना होगा। जो हम देंगे वही दे पाएंगे, जो हम दे पाएंगे वही हम पाएंगे, जो हम दे पाएंगे वही पाएंगे। इसलिए कई बार हम लोग बड़े भगवान को बहुत गाली देते हैं कि भगवान ने हमको क्या दे दिया, भगवान ने हमको क्या दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, हमको ऐसा बना दिया। तो वो आपका किया बनाया हुआ है, आपका किया हुआ है, आपका पिछले जन्म का या इसी जन्म का, इसी जन्म में किसी समय किया हुआ कोई गलत काम है। ऐसा हम सोचते हैं हम दूसरों के लिए किया, दूसरों के लिए नहीं। जो कुछ भी आप करते हैं अपने लिए करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं ऐसा मत सोचो आप दूसरों को कुछ करके दे रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि वो आपको लौट के आपको मिलेगा, लौट के आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अच्छे कर्म करने से आपकी बैंकिंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपके अच्छे कर्मों की बैंक बढ़ती जाती है, फिर वो आपको लाभ देती है। हमारे अंदर एक चीज़ का अभाव होता है, वो होता है आत्मसमीक्षा का अभाव। अगर हम आत्मसमीक्षा कर लें, अंतर्ज्ञान अंतप्रज्ञा डेवलप कर लें, तो सारी परिस्थितियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमने अपने लिए क्या किया। हम मिट्टी के बारे में सोचते हैं, बीज के बारे में सोचते हैं, पहाड़ों के बारे में सोचते हैं, बारिश के बारे में सोचते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। तो अपने बारे में विचार करना चाहिए, जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। आखिर जीवन में हमारी जो कमियाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ही परिणाम है। देखो मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थ्योरी दे रहा हूँ आपको कि जो भी हमारी कमियाँ हैं वो हमारा ही परिणाम है, हमारे ही द्वारा किया हुआ कर्म है जो परिणाम दे रहा है हमको। जो बातें घटित हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे शुभ या अशुभ कर्मों का फल है। विवेकानंद ने इसी पर एक वाक्य लाइन लिखी है सॉन्ग ऑफ सन्यासी में, हो शुभ अशुभ जो भी कर्म, वो इसी जन्म में किए हुए तुम्हारे कर्मों के हैं फल, वो उसी इसी कर्म के फल हैं। हमें इस सृष्टि में, इस जगत में शुभ को करते रहना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, कीप ऑन बैंकिंग, शुभ करते रहो, शुभ करते रहो, शुभ करते रहो, जितना अच्छा हो सके। अक्षय तृतीया के दिन लोगों ने सोना खरीदा, कुछ लोगों ने अंध विद्यालय में जाके बांटा, वहाँ सामान बांटा, कुछ लोगों ने ऐसे लोगों में जो बहुत नीडी थे उनको कुछ दिया जा करके, कुछ लोगों ने दान किया, कुछ लोगों ने पुण्य किया, कुछ लोगों ने उपभोग में उसको दिन को बिता दिया। तो अक्षय पुण्य आपका उसी से बनता है जब आप अच्छा काम करते हैं। इस जीवन में सुख का वितरण करते रहना चाहिए। छल द्वेष दंभ पाखंड इनका कोई स्थान नहीं। छल द्वेष दंभ पाखंड इसका भगवान के सिद्धांतों में, भगवान के नीति नियमों में कहीं कोई स्थान नहीं है। जितने बढ़ेंगे उतने वापस आएंगे, ये वापस आते हैं, लौट के वापस आते हैं, छल छद्म पाखंड, और ये आपको ही ग्रास में ले लेंगे। हमें सोचना है कि क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। और न प्रेम मिटता है न घृणा मिटती है, प्रेम प्रेम बन के आता है, घृणा घृणा बन के आती है। अगर आपने किसी से हेट्रेट रखी है, घृणा रखी है, तो लौट के आपके पास ही आएगी, वो आपके ऊपर अटैक करेगी, और कोई ना कोई आपसे अनेकानेक व्यक्ति आपसे घृणा करेंगे। हम सोचते हैं वो सब कुछ खत्म हो गया, हम सोचते हैं ये आदमी चला गया, वो आदमी मर गया, ये रिश्ता खत्म हो गया, तो इससे पीछे छूट गया। पीछा नहीं छूटता, लेकिन वही सब प्रकृति आपको देती है। कहीं ना कहीं कोई आपके माता पिता के रूप में आएगा कहीं अगले जन्म में, फिर कोई ना कोई आपके भाई बहन के रूप में आएगा, कोई ना कोई पड़ोसी होंगे। इस जन्म की कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अगर एनालिसिस किया जाए प्रॉपरली तो पता चलेगा कि इनमें से कई घटनाएं जो है पुनर्जन्म पूर्व जन्म के कारण, आपके पूर्व जन्म की भावना के कारण है। पूर्व जन्म की हिस्ट्री ली जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा कुछ किया था आपने। ये कुंभ मेला बार बार लगता है, हर जैसे कुंभ मेला 12 साल में लगता ना एक बार, तो ये कुंभ मेला बार बार लगता है, हर जन्म में लगता है। और सारे सब जितने पार्टिसिपेंट्स थे सब इकट्ठे होते हैं, सब लोग जमा होते हैं, बार बार रिश्ते बनते हैं, लेकिन होता वही है, मिलता उतना ही जितना हमने दिया। प्योर मैथमेटिक्स, पुनर्जन्म की थ्योरी, लॉ ऑफ कर्माज इज प्योर मैथमेटिक्स। कहीं किसी का पौवा नहीं लगता इसमें, कहीं किसी की अप्रोच नहीं लगती इसमें, प्योर मैथमेटिक्स। कहीं किसी की अप्रोच नहीं लगेगी, हम कह देंगे उनसे कि आप हमारे लिए कह दो, नहीं कुछ नहीं होगा। आपके पुण्य कितने हैं और पाप कितने हैं, आपने अच्छे कर्म सत्कर्म कितने किए, इसे सत्कर्मों की खेती, श्रेष्ठ कर्मों की खेती करो, जितने दिन आप हो तब तक अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। कुछ दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर कुछ बुरा तो मत दो, कुछ बुरा तो मत सोचो, कुछ बुरा भाव तो मत रखो। कुछ दे सकते हो तो पीठ पे हाथ रख दो किसी के, पीठ पे हाथ रख करके उसको शुभ भावनाएं दे दो, शुभ कामनाएं दे दो, और उसका प्यार भरे बोल दे दो, दो बोल दे दो, अरे ये बुरा समय चला जाएगा, रो मत। तुम्हें सहेली को रो रही है
क्योंकि अच्छे 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 पेपर नहीं गए, तो उसको समझा दो प्यार से, जो तुम सलाह दोगे वो तुमको लौट के मिलेगी, वापस तुमको मिलेगी। ये बार बार सोचो, बार बार सोचो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा मिलता उतना ही जितना हमने दिया, जितना हमने किया है। हम चाहते तो हैं हमारे जीवन में अच्छा हो, सोचते तो हैं हमारे जीवन में शुभ हो, लेकिन हम सुख देना नहीं चाहते, हम शुभ करना नहीं चाहते। जीवन में शुभ तब होगा, सुख कर तब होगा, जब आप सुख कर करोगे, सुख और शुभ जो है वो दोगे किसी को। सब लोग हमारे प्रति अच्छा भाव रखें, सब अच्छा भाव रखने में कंजूसी मत करना, संकोच मत करना। क्यों? क्योंकि हम जितनी चुगली निंदा करते हैं क्या मिलता है? हम चाहें तो भलाई भी कर सकते हैं इसकी चुगली निंदा के बदले में। जिह्वा से अशुद्ध और अशुभ बोलने के बजाय कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे आपहु शीतल हुए। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, आपका मन का आपा कंट्रोल मत खोलिए, मन का अहंकार मन का अभिमान खोई खोकर बोलिए। आप देखे जब अभिमान खोकर बोलते हैं तो अभिमान को दूर करते ही आपका मीठा ही हो जाता है, जो वचन है मीठा हो जाता है। आज सब जमा हुए हैं गीता में, सब जमा हुए हैं गीता का जो युद्ध का क्षेत्र चल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव। भगवान कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में सब जमा हो गए हैं, प्रकृति ने ऐसी परिस्थितियाँ दी हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, संघर्ष क्षेत्र में। जहाँ पर कभी धर्म के अनुष्ठान होते थे, जहाँ लोग कर्मकांड कराने जाते थे, जहाँ लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम कराने जाते थे, वहाँ युद्ध क्षेत्र बन गया है। द्वापर में का जो कली वाला हिस्सा था वो वाला हिस्सा है ये। कुरुक्षेत्र में समंत पंचक है, तालाब है, सरोवर है, यहाँ पर भगवान परशुराम ने कठिन तपस्या की थी ऐसा कहते हैं। कुरुक्षेत्र में आज रक्त के प्यासे लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, भाई रिश्तेदार गुरु शिष्य सब खड़े हैं वहाँ पर, उन्माद में एक दूसरे का विनाश करने पर तुले हुए हैं। कितनी घृणा अपने मन में रखी होगी पांडवों ने कौरवों के प्रति, भाई भाई हैं, कोई एक पक्ष में कोई दूसरे पक्ष में है, सबका उद्देश्य एक ही है विनाश। न घृणा मिटती है न प्रेम मिटता है और कर्म ही मिटते नहीं, दो कथाएँ बड़ी बहुत प्यारी प्यारी है। आज का पूरा क्लास जो है इस कथाओं के ऊपर डिपेंड करता है। एक कथा भगवान बुद्ध के जीवन की है और एक कथा भगवान महावीर के जीवन की है। कथा कहती है कि शुभ कैसे प्रतिफलित होता है, कथा कहती है अशुभ कैसे प्रतिफलित होता है। एक कथा कहती है कि द्वेष और घृणा कैसे प्रतिफलित होते हैं, कैसे उनका परिपाक होता है, और एक कथा कहती है कि प्रेम का भाव कैसे परिणित होता है, कैसे प्रतिफल होता है। भगवान बुद्ध की कथा है जातक कथा। ये तुमने अभी श्लोक से पढ़ा था, न जातु नासम त्वम जनाधिपाहा। जातक जात है जात कर्म, अपने यहाँ जो एक कर्म संस्कार होता है, जन्म लेने वाला कर्म, जन्म लेने वाला कर्म। जब बच्चा गर्भ में आके स्थापित हो जाता है तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। उस समय तो पता नहीं चलता पर दिव्य दृष्टि वाले लोगों को पता चल जाता है, माँ को आभास हो जाता है कि बालक गर्भ में आ गया है, तब तक चेक भी नहीं किया जाता। पर वो जातक, जातक से मतलब है कि अंदर जन्म लेने की प्रक्रिया चालू हो गई। जातक शब्द भगवान बुद्ध के साथ दो जगह जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो एक तो ज्योतिष में मिलता है जातक शब्द, जातक यानी जन्म लेने वाला व्यक्ति, और दूसरा है भगवान बुद्ध की कथाओं में जातक मिलता है, जातक कथाएँ, जातक कथाएँ। भगवान बुद्ध के जितने जन्म हुए उन जन्मों के बारे में उसमें विवरण आता है पूरा पूरा, जन्म लेने वाला जिसका जन्म हुआ। जातु का अर्थ जन्म से, किसी काल में ऐसा नहीं था जब हम नहीं थे, वो नहीं थे। ज्योतिष में कहते हैं जातक की कुंडली। भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कथा है, उसमें भगवान बोधिसत्व के रूप में जगह जगह जन्म लेते हैं। बोधिसत्व का मतलब है अपने सत्व गुण में वृद्धि करने के लिए जो प्रकाशित हो गए, अपने सत्व गुण में वृद्धि करने के लिए जो प्रकाशित हो गए, जन्म ले लिया जिन्होंने, वो बोधिसत्व। और बोधिसत्व बने, पूर्ण प्रकाश नहीं आया उनमें, ऐसा समझ लो जैसे गंगा के घाट पहुंच गए लेकिन स्नान बाकी रह गया। गंगा के घाट पर पहुंचना बड़ी बात है, स्नान हो गया तो गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। भगवान बोधिसत्व थे प्रकाश के पहले, पूर्णता के पहले की स्थिति है, तो उन जन्मों की कथा है। भगवान पूर्णता को पहुंचते तो वो बुद्ध का समय है। बुद्ध के पहले बोधिसत्वों की कथा कई रूपों में है। भगवान बुद्ध एक जंगल में एक वन में कठिन तप करते थे। जब भगवान बुद्ध जंगल में तप करते थे, तप करने में लीन थे, दिन रात एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते, तप करते रहते थे, एकाग्र मौन शांत, वन चारों तरफ से शांत पूरा। कभी बरसात होती, कभी जाड़ा होता, कभी गर्मी पड़ती,
कभी लू चलती, कभी शीतलहर चलती, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपने आप को कड़ी तपस्या से गुजारने की कोशिश की। भगवान बुद्ध को लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने तप किया और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान बुद्ध ने एक जन्म तप नहीं किया, कई जन्मों के तप ने। गीता कहती है अनेक जन्म संसिद्ध पर ततो याति परमाम गतिम, अनेक जन्म संसिद्ध। यह है छठे अध्याय का 45वां श्लोक। अनेक जन्मों के संस्कार बल से सिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परमाम गतिम, छठे अध्याय का 45वां श्लोक। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है ये। एक रास्ता देता है आपको कि चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म से ही, अगले जन्म में तो उसके अगले जन्म से ही हम तप करते रहेंगे। तप बोधिसत्व अनेक जन्म तक तप करते रहे, एकाग्र शांत मौन वन उसमें तप कर रहे हैं, अखंड ध्यान करते रहते हैं। एक कम उम्र की छोटी लड़की वहाँ आती, उनको देखती, पशु चराने के लिए आती थी, गाय चराने के लिए आती थी, देखती एक बहुत सुंदर शरीर, उनकी देह बड़ी सुंदर थी, बहुत शरीर उनका सुंदर था, बहुत रूपवान था। बुद्ध कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि बुद्ध बहुत सुंदर थे, बुद्ध का शरीर था, जब वो बैठते थे उठते थे ऐसा लगता था मानो कोई स्वर्ग का देवता धरती पर उतर आया हो, स्वर्ग का देवता धरती पर। इनके ऊपर एडविन अर्नोल्ड ने गीत लिखे हैं, काव्य लिखा है, और ये लिखा है गॉड स्पीक्स, देवता आते हैं, वो देवता आकर के इनको जगाते हैं जब भी बुद्ध के रूप में आते हैं, वो कहते हैं तुमको मालूम नहीं तुम कौन हो, ये जब बुद्ध के रूप में आते थे। पर बोधिसत्व के रूप में जब हर बार आते हैं तो हर बार बहुत सुंदर शरीर लेके आते हैं। इतने रूपवान, इतने सौंदर्यशाली भगवान बुद्ध, उनके व्यक्तित्व में सहज आकर्षण था, चुंबकत्व था, कोई भी आकर्षित हो जाता था, किसी से भी आकर्षित नहीं होते थे, वो शांत भाव से बैठे तप कर रहे थे। वो लड़की वहाँ पशु चुराती रहती, गाय को इधर उधर जाने से रोकती, तो जोर जोर से बोल भी देती थी, सोचती थी इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ता, चुपचाप शांत तप करते रहते। एक दिन भगवान बुद्ध ने ध्यान करते करते आँख खोली तो उस लड़की ने पूछ लिया, अरे बहुत दिन बाद हमने इंतजार किया, तब आपने आँख खोली, भाई तुम ये क्या करते रहते हो, यहाँ क्या करते रहते हो, हमको समझ में नहीं आता तुम क्या करते हो यहाँ, छोटी बच्ची थी। तो उन्होंने ऐसा व्यक्ति हमने अभी तक नहीं देखा जो कभी बैठा ही रहे, कुछ करते ही नहीं हो तुम, तो तुमको तुम्हारी माँ परेशान नहीं करती, माँ डांटती नहीं तुमको, तुम कुछ भी नहीं करते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, दिनों तक बैठे हो, वर्षों तक बैठे रहे हो, घंटों घंटों आसन ही ना छोड़े, क्या करते हो, थकते नहीं हो, कामकाज नहीं करते, छोटी बच्ची बोल रही है। उसके अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई, जब देखो तभी आदमी बैठा रहता, हम जाते हैं आते हैं, अपनी गाय चराते हैं, जंगल में भागे भागे घूमते हैं, फिर घर चले जाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, पर ये तो घर भी नहीं जाता, मालूम नहीं कहाँ चला जाता है, फिर आ जाता है अगले दिन सुबह उसी जगह बैठा मिलता है, कल भी बैठा था आज भी बैठा है, करता क्या है बैठा बैठा, ये करता क्या बैठा बैठा। तो भगवान बुद्ध इन्हें बोधिसत्व ने कहा, हम कुछ खोज रहे हैं बेटिया, हम कुछ खोज रहे हैं, हम जो खोज रहे हैं वो हमको मिल गया तो हम तुमको ही बताएंगे, अगर हमको मिल गया तो, उस खोजने के लिए हम ये करते हैं जो कर रहे हैं। आदमी जो खोजता है वो घूमता रहता है, टहलता रहता है, पर उसको मालूम था कि उसके घर की कोई चीज़ खो जाती है, लड़की ने सोचा खोज रहे हैं, ऐसे कैसे खोज रहे हैं, बैठे बैठे कोई खोजते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ खो जाए तो हम तो हर कमरे में जाकर ढूंढेंगे उसको, कहाँ गई कैंची, कहाँ गई, कहाँ छोड़ दी, किधर रख दी, पर ये तो कह रहा है कि हम तो बैठे बैठे उसको खोजते रहते हैं, मतलब बैठे बैठे कोई चीज़ कैसे मिल जाएगी, ये विचित्र नहीं है? अरे तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है, तुम खोज रहे हो तो तुम जंगल में घूमो, तुम्हारी मदद करना तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, गाय को भी साथ ले चलेंगे, और जब तुमको दूध पीने की ज़रूरत होगी तो हम दूध भी पिला दिया करेंगे तुमको, पर तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, खोजो, चलो हमारे साथ साथ चलो, ये कैसी बात है तुम बैठे रहते हो, मतलब एक अननोन टाइप की एक फ्रेंडशिप डेवलप होगी दोनों के बीच में, वो बात करती ये जवाब दे रहे थे। अगर तुमको अगर वो चीज़ मिल जाए तो जाओ अपने घर जाओ, फिर माँ के माँ बाप के पास जाओ, रहो वहाँ पे, बस सुंदर हो, वैसे भी दिखने में अच्छे हो, शादी अच्छी जगह हो जाएगी। तो वो बोले, बोधिसत्व बोले, मैं निर्वाण खोज रहा हूँ, निर्वाण। अब लड़की ने कभी नाम ही नहीं सुना था निर्वाण का, वो तो बेचारी गाँव की लड़की, एक गाय चराने वाले की लड़की, उसने सुना था कि माँ की कोई चीज़ खो जाती है तो उसके घर में खोजती, पर ये तो न जाने क्या बोल रहा है, मानो समझ में नहीं आता, निर्वाण शब्द तो नहीं था हमारे पास, हमारी माँ ने कभी नहीं बोला है कि बेटा निर्वाण खोज के लाना उस कमरे से,
उसने कभी सुना ही नहीं था, उसने कभी उसको मालूम ही नहीं था। उस लड़की ने कहा है बड़ी विचित्र चीज़ खोज रहा है, सुना ही नहीं था। उसने कहा भाई देखो पता नहीं तुम क्या खोज रहे हो, हमने अपनी माँ से भी नहीं सुना, बड़ी विचित्र चीज़ है, तुम बैठे बैठे खोज रहे हो, घूम कर नहीं खोज रहे हो, कहीं से आने वाला है क्या, पूछ रही वो। घर में कोई रिश्तेदार आता है तो अपने को पता चल जाता है घर में आने वाला है रिश्तेदार, कहीं से आने वाला है निर्वाण। तो उसने कहा कुछ भी समझो लेकिन मैं खोज रहा हूँ निर्वाण। अब उस कन्या को उस व्यक्ति पर बड़ी दया आई, आदमी तो दिखने में सीधा साधा है, किसी का नुकसान नहीं करता, भोला भाला है, किसी का नुकसान नहीं करता, कुछ किसी को मांगता भी नहीं है, हमसे भी आज तक नहीं मांगा कुछ। चलो कोई बात नहीं, तुम खोजो, हम खोजने में तुम्हें मदद एक प्रकार से कर सकते हैं। क्या करेंगे, तुम्हारे लिए हम दो रोटी एक्स्ट्रा लाएंगे अपने लिए अपने साथ, तो दो रोटी तुमको देंगे, दो रोटी हम खाएंगे, दो रोटी तुम खाना। हमारी गाय दूध देती है, हम थोड़ा सा दूध उसका तुम्हारे लिए निकाल देंगे, तुम दूध पी लेना, क्यों तुम्हारा ये सूख सूख के वैसा हो जाना, भूखे रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। प्यार करने लगी थी वो, मतलब एक मोहम्मद तो डेवलप हो गया। बोधिसत्व ने कहा कि मैं खोज लूँगा, तुम कोई सहायता ना करो, फिर भी उसको दया आई। उसने कहा घर से दिन भर के लिए रोटी लाती थी गाय चराने के लिए, दिन भर जंगल में फिरती रहती थी इसलिए घर से खाना ले आती थी, उसमें से आधा खाना बुद्ध को खिलाते थे, मतलब दो रोटी तो या तीन रोटी। दूध ले आती, कभी कभी दूध भी ले आती और कभी दूध पिला देती और कभी गाय का दूध वहीं से निकाल करके दे देती उस भगवान बुद्ध को। ऐसा करते करते लंबा समय बीत गया। एक दिन उस कन्या ने कहा मुझे नहीं मालूम तुम क्या खोज रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब मैं यहाँ पहली बार तुम्हें मिली थी मैं बहुत छोटी थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं घर वाले मेरी शादी विवाह की बात करने लगे हैं, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या होगा मेरे बाद मैं रोटी भी नहीं लाऊंगी और मैं दूध भी नहीं ला पाऊंगी, पर तुम्हारा जो तुमको जो निर्वाण जो तुम खोज रहे हो विचित्र खोज है तुम्हारी, मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, और किसी को बाद में बताना पर मुझे पहले बताना, सबसे पहले मुझे बताना। बोधिसत्व ने कहा हम पक्का पक्का वादा करते हैं कि हम सबसे पहले तुम कहीं भी रहोगी हम तुमको खोज लेंगे। न तुम नेमे जनाधिपा, हम तुम हम कहीं नहीं जाते, हम सब यहीं इस दुनिया में रहते हैं, हम तुमको खोज लेंगे। अगर हम ससुराल चली गई तो कोई बात नहीं, तुम कहीं भी रहोगे हम सबसे पहले तुम्हीं को बताएंगे, ढूंढेंगे तुमको फिर तुमको बताएंगे। समय बदल गया, कन्या बड़ी हो गई, ससुराल चली गई, भगवान बुद्ध अपने पिछले जीवन में अपने साधना में लगे रहे। और जैसा कहते हैं भगवान, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था जब राजा लोग नहीं थे। समय बदल गया, उनका भी शरीर छूट गया, बोधिसत्व का भी शरीर छूट गया, कन्या का भी शरीर छूट गया, बूढ़ी हुई, पर उसको वो याद रहा, थोड़ी सी बात याद रही। काल ने परिस्थितियाँ बदली, लेकिन काल को तो कर्मों का हिसाब देना था, फिर से जन्म मिला, फिर से जीवन प्राप्त हुआ, बोधिसत्व को भी जीवन प्राप्त हुआ, गाय चराने वाली कन्या को भी जीवन प्राप्त हुआ, पर इस बार उसका जन्म जो है कहीं और हुआ, और भगवान बुद्ध का जन्म जो है वह हुआ सिद्धार्थ के रूप में, शुद्धोधन के रूप में, महामाया के पुत्र के रूप में। उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति और उनकी माँ थी महामाया, इन दोनों के शुद्धोधन और महामाया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ जन्मे। कपिल वस्तु राजधानी थी, राज्य था, गणराज्य था। ये बुद्ध के जीवन की कथा पे आ गया, बोधिसत्व से बुद्ध के जीवन पे आ गया। उस जमाने के दो तरह के राज होते थे, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। और जहाँ राजतंत्र होता था वहाँ जनपद, महाजनपद, गणराज, शाक्यगण, लिच्छवीगण, वैशाली ऐसे कहलाते थे। लिच्छवी जो है वैशाली जहाँ है वो उसमें लिच्छवियों का था, मगध जो था वो साम्राज्य था, वहाँ पर सम्राट राजा होते थे। भगवान बुद्ध ने गण प्रमुख महाराज शुद्धोधन के जन्म लिया, संस्कार उदय हुआ, और जैसे संस्कार उदय होता है सब कुछ बदल जाता है, मनस्थिति परिस्थिति संस्कार के साथ बदलती है, और तपस्या साधना के लिए चले गए। जब उन्होंने बीमार देखा, जब उन्होंने रोगी देखा, जब उन्होंने मृत व्यक्ति देखा, और जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, इन तीन चीज़ों को देखने के बाद उनके मन में ये आया कि ये तो मुझे भी होने वाली है, उनके संस्कार उदय हो गए। भाई निर्वाण खोजना है, निर्वाण खोजना है, निर्वाण नहीं खोजेंगे तो निर्वाण का रास्ता नहीं मिलेगा लोगों का। बस उस दीर्घकालिक साधना के साथ निरंजन नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उनकी अखंड साधना चलती रही, जहाँ उनको साक्षात्कार हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। उसी बोधि वृक्ष की शाखाएँ जगह जगह पूरे विश्व में फैली और उनके शाखाएँ लगाई गई। और उसके साथ साथ कठिन साधना से एक दिन वैशाख पूर्णिमा, अभी अभी जो निकल के गई ना वैशाख पूर्णिमा, नहीं अब आने वाली, सॉरी 31 मई को या 30 अप्रैल को भगवान बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ और वो बुद्ध कहलाए। सम्यक ज्ञान हुआ, बुद्ध यानी जो इनको बोध हो गया, बुद्ध यानी जिनको बोध हो गया मैं कौन हूँ। सिद्धार्थ बुद्ध हुए, उन निर्वाण का अनुभव हुआ,
पर प्रसंग भी याद आया उन पिछले जन्म का सब, जब तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो सबसे पहले हमें बताना, देखो हमने तुम्हारी सेवा भी की है, तुम्हें रोटी भी खिलाई है, तुमने हमारा नमक खाया है। वो याद आ गई, लड़की याद आ गई, हमने तुम्हें गाय का भी दूध पिलाया। माँ पूछती तुम्हें इधर उधर की बात करके टाल देती हूँ, जैसे माँ पूछती गाय ने आज दूध कम दिया क्या, मैं कहती थी हाँ ऐसे ही हुआ, ऐसा ही हुआ होगा, अब ज़्यादा क्यों ले जाती हो, तुम विचित्र सी चीज़ खोज रहे हो, हमें बताना ज़रूर। उस लड़की के प्रति हमारा कर्तव्य है। वो लड़की जो थी वो कुमार की बेटी के रूप में जन्म ली उसने, कुम्हार की बेटी। कुम्हार जानते हो ना, मिट्टी कूटता है और मिट्टी कूट कूट के नया घर बनाता है। उसके घर में पिताजी थे जो बर्तन बनाते थे, घर में गधे थे, गधों पर मिट्टी ढोती थी वो, गधों पर बर्तन लाद कर बाजार जाते। एक कन्या के पिताजी जो थे उन्होंने उसको ड्यूटी दे रखी थी कि मिट्टी लेके आओ जिससे कि अपन अपने बर्तन बना सकें। छोटी कन्या थी, भगवान बुद्ध ने अपनी योग दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से उसको तलाशा। निर्वाण होने के बाद उनकी दृष्टि और अच्छी हो गई, सूक्ष्म हो गई, सब और खबर फैल गई, सब जगह खबर फैल गई। शाक्य मुनि ने, सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। सिद्धार्थ ने, शाक्य मुनि ने, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको अवेकनिंग हो गई। सारे नरेश इंतजार कर रहे थे, कौशल नरेश, महाराज प्रसन्नजीत, मगध सम्राट बिंदुसार, राजन्य वर्ग और विभिन्न साधु संत, ब्राह्मण वर्ग, सबके सब इंतजार कर रहे थे हमको पहला उपदेश सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको पहला उपदेश दें। बुद्धत्व का अनुभव बड़ा विरल अनुभव होता है, कि अनुभव होता है किसी भी देवी देवताओं को नहीं प्राप्त होता, जिसको अखंड समाधि लगती है उसको प्राप्त होता है। ये बुद्ध कथाओं में बड़ी मीठी कथा है ये, भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा में निर्वाण का अनुभव हुआ, निर्वाण समाधि का अनुभव हुआ। कहते हैं उस पूर्णिमा को दो चंद्रमा निकले, ऐसा कहते हैं उस पूर्णिमा के दिन दो चंद्रमा निकले, एक चंद्रमा निकला अंतरिक्ष में गगन में, एक गगन में चंद्रमा निकला, एक आसमान में निकला नीले आसमान के नीचे, और एक भगवान बुद्ध के अंतर गगन में निकला। एक बाहर निकला, एक अंदर रहा, उसमें तो कुछ कलंक भी रहा होगा, दाग रहे होंगे, पर यह तो बिल्कुल शुभ था, निरभ्र था, चांदनी थी। भगवान बुद्ध पर पुष्प वर्षा करने ब्रह्मा जी स्वयं आए, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने चरणों में अभ्यर्थना की, महाराज ये अनुभव देवताओं को नहीं प्राप्त हो, जब मुझे प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, संपूर्ण ज्ञान में हम लीन हो जाएं आपके, ऐसी अभ्यर्थना ब्रह्मा जी ने करी। कुछ बोलिए आप, आपको जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके बारे में कोई उपदेश दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा बताऊंगा सबको, सबको बताऊंगा, लेकिन अभी पहले किसी और को बताना है, बताएंगे, ढूंढ रहे हैं उसको। उन्होंने देखा वो कन्या कहाँ है जिसने उनको रोटी खिलाई थी, वो कन्या एक गाँव में है, वही कन्या एक गाँव में है, एक कुम्हार के घर में है। उन्होंने पता, उन्होंने कहा अपने आसपास जो लोग आगे इकट्ठे हो गए थे, हमें अमुक गांव जाना है, हमें यह सब पता चला है कि इस गांव में हमारा एक शिष्य रहता है और उसको हमें कुछ कहना है। पंचशालक गांव था, पंचशालक गांव। भगवान बुद्ध ने कहा बहुत, बहुत बहुत दूर है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जब उसको हम अपना उपदेश दे देंगे तब हम आपको उपदेश देंगे, तब हम फिर भोजन करेंगे। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध होकर तुम्हारे गांव में आना चाहते हैं। घर के गांव के मुखिया, खबर मिल गई, बड़े बड़े मगध सम्राट, कौशल नरेश पूरे गांव के चारों तरफ डेरा डाल के बैठ गए कि यहाँ से निकल करके भगवान हमारे को मैसेज देंगे, अपना पहला मैसेज, कब कुछ बोलेंगे, क्या आग्रह निमंत्रण स्वीकार करके गांव पहुँच गए। क्या आपके गाँव में कुमार परिवार रहता है, बोले हाँ रहता है। तो बोले हमें उस कुमार परिवार की लड़की से मिलना है। वो गए वहाँ, लड़की छोटी थी पर बड़ी अकड़ू टाइप की थी, जैसे पिछले जन्म में तो बहुत प्यार से बात की थी उसने। उसने कहा कि बापू कहते हैं तो हमसे मिलना चाहते, क्यों मिलना चाहते हो, हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हमें देखो आपको आज दिन भर का हमको काम करना है, तीन गधे मिट्टी लेकर के आए हैं, अभी इन मिट्टी को हमें कूटना है, कूटने के बाद हमें मालूम है घास मिलानी है इसमें, इस निर्वाण से हमें कोई मतलब नहीं। अरे तुम्हीं ने तो कहा था हमको बताना। एक दिन बीता, दो दिन बीता, कई दिन, भगवान बुद्ध उसके पीछे लग रहे, बोले हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम्हारे लिए मिट्टी कूटेंगे, तुम्हारे लिए गधे के ऊपर मिट्टी लाद करके लाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर तुम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बोले नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे क्या काम है, बर्तन मांजने, लाओ मंजवा देते हैं। बर्तन मंजवाए बुद्ध ने उनके उस लड़की के साथ, क्योंकि उसके बिना उनका मुक्त वो नहीं मिल पाता, अवसर नहीं मिल पाता बोलने का। हमें मिट्टी कूटनी है, गधे को घास डालनी, चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। करते रहे करते सारे गाँव के लोग, ये आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया, सारे गांव के लोग इसके जय जयकार करते हो, नहीं मेरे पीछे पड़ा है। बड़ी परेशान हो गई,
घास काटी, मिट्टी कूटी, गधे की सेवा की, बर्तन मांजे, अब चलूँगी तुम्हारे साथ। उसने कहा चलो, मैं अब तुमने बहुत काम कर लिया। प्रवचन पंडाल था, बहुत बड़ा बना था बाहर, सब लोग जमा हुए। लड़की को सामने बिठाने को कहा उन्होंने, लड़की सामने बैठी। भगवान बुद्ध ने अपनी योग दृष्टि से, योग शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से उस लड़की की चेतना जागृत की, उसकी स्मृति जागृत की, पिछले जन्म की स्मृति जागृत, अपनी शक्ति से, आत्मबल से संस्कार उभर आए, वो दृश्य उसके सामने आया, वो कौन है। गुरु यही काम करता है, शिष्य को ये आभास करा देता है वो कौन है। गुरु अपने शिष्य को आभास करा देता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहचान लो तुम कौन हो। एक बार दृष्टिपात करते ही शिष्य को आभास हो जाता है, मैं कौन, मैं विशेष हूँ, ये व्यक्ति कौन और मैं कौन, ये उसको पता चल गया। पिछले जन्म के घटनाक्रम लगातार उसके सामने आने लगे, उसको दिखाई देने लगा, उसको अनुभव होने लगा, उसके सामने स्पष्ट हो गया, ये भगवान है, ये तो मैंने भगवान को दूध पिलाया था पिछले साल, पिछले जन्म में। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की बात कहना शुरू की, क्या हम खोज रहे थे, क्या हमने पाया, किस तरह से जीवन की गांठें हमारी खुली, किस तरह से हमें प्रकाश प्राप्त हुआ, किस तरह से हमें चेतना निर्मल हुई, ये सब बातें उन्होंने बताई। किस तरह से हमें सम्यक ज्ञान मिला, किस तरह सम्यक यानी ठीक ठीक, सम्यक उनके बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, सम्यक यानी ठीक ठीक, ना इधर टू मच ना इधर टू लिटिल, ठीक 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 ठीक। जीवन के सारे दुख सुख में बदल गए, किस तरह से जीवन के संताप आनंद में बदल गए, भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव सुनाए, जो बाकी लोग सुन रहे थे वो धन्य फील कर रहे थे अपने आप को, अरे भगवान का अनुभव है, भगवान का साक्षात अनुभव है। पर वो लड़की ने तो ऐसा अनुभव किया जैसे कि साक्षात भगवान बुद्ध का एक अंग अनुभव कर रहा हो। धीरे धीरे वो गहन ध्यान में, समाधि में उतरती चली गई, उतरती चली गई, उतरती चली गई, और उसे अनुभव हो गया कि ये कौन और मैं कौन। उसे अनुभव हुआ कि प्रेम जो हमने इन्हें दिया, आज उस प्रेम का प्रतिदान इन्होंने हमें दे दिया, हमको मिल गया, जो हमने प्रेम किया इनको, एक प्रेम के बल वशीभूत होकर के हमने इनको रोटी खिलाई, हमने इनको दूध पिलाया, वो इन्होंने हमको, जो आदर हमने दिया इनको, जो भावना हमने इनको अर्पित की, वो भावनाएं आज हमारे सामने प्रतिफलित। उसके बाद उनके शिष्य बन गए, भगवान बुद्ध की शिष्य बन गई वही लड़की, शिष्य बनकर के फिर आगे रहे। उस कन्या के जो भाव थे कि वो सहायता करना चाहती थी उसकी खोज, उसे नहीं मानता निर्वाण क्या, उसे नहीं मानता अध्यात्म क्या है, उसे नहीं मानता कि ध्यान क्या है, उसे नहीं मानता समाधि क्या है, पर जितनी उसकी सामर्थ्य थी उसने की। उसकी भावनाओं ने, भावनाओं में एक सेतु का निर्माण किया, एक संबंध का सेतु बन गया, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए जीवन की परम दिव्यतम अनुभूति प्राप्त करने के बाद उन कर्मों का परिपाक हो गया। बुद्ध के जीवन में भी, उस कन्या के जीवन में भी, कन्या ने जाना कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, कोई तप निष्फल नहीं होता। कन्या ने जाना कि ये तप जो है मेरा निष्फल नहीं गया। अनेक लोग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के प्रार्थी थे, कई नरेश थे, पहले अधिकारी उन्होंने कन्या को समझा, इस तरह से जीवन का विज्ञान, ये जीवन का विज्ञान है। गुरु जिसको ठीक समझता है उसी को पहले विज्ञान ज्ञान देता है, बाद में फिर वह सबको देता है, पूरी दुनिया को देता है। एक घटना महावीर के जीवन की, भगवान महावीर ने, मैंने ये घटना तुमको उस दिन सुना दी थी जिस दिन मैं रामचरितमानस का प्रसंग सुना रहा था, बहुत शॉर्ट में सुनाई थी मैंने, दो मिनट के अंदर, आज थोड़ा डिटेल में सुना दूंगा थोड़ा सा। 12.5 वर्षों में उन्होंने केवल 360 दिन ही जल पिया, बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने। ऐसा कहा जाता है कि एक समय कुछ नहीं खाया, कई दिन, 700-800 दिन, उनके मन के कपड़े भी उतर गए, तन के कपड़े भी उतर गए, मन की परतें उतर गईं, लेकिन वो परम समाधि में नहीं जा पा रहे थे। कहीं कोई गांठ अटक रही थी, कहीं कोई गांठ अटक रही थी, कठिन गांठ थी, खुल नहीं रही थी, बार बार कर्म की डोर अटक रही थी। क्योंकि वो इतना तप कर चुके थे तो उन्होंने पिछले जन्म में जाके देखा, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया था, पिछले किसी जीवन का कर्म है। उन्होंने आह्वान किया उस जीवात्मा का, जिस जीवात्मा ने उस कर्म को, उस उनके समाधि को रोक रखा था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ वर्धमान, बोले मैं वर्धमान तुम्हारा अपराधी हूँ, हे जीवात्मा तुम आओ, इस समय मैं इस रूप में हूँ, तुम जिस रूप में हो तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको जन्म जन्मांतरों की कथाएं सुना रहा हूँ पूरी पूरी, तुम आओ और मेरे कर्म का मुझे दंड दो, मुझे अपने ऋण से मुक्त करो, मुझे प्रतिफल दो अगर मैंने गलत काम किया है, मैं क्यों नहीं समाधि में जा पा रहा हूँ। ऐसा गंभीर ध्यान वो बैठ के कर रहे थे, इतने में एक आदमी आया बैल चराता हुआ। उसने बोला, ए बाबा तू यहाँ क्या कर रहा है खाली बैठे बैठे। महावीर ध्यान में थे, मग्न थे, उनको तो कुछ पता भी नहीं चला कौन बोल रहे हैं। ये निठन्ना निकम्मा बाबा यहाँ बैठा हुआ है, किसी को मालूम है कौन है ये, किसी काम का नहीं। अच्छा तू ऐसा एक काम कर, मैं अपने बैल छोड़े जा रहा हूँ, तू इनका ध्यान रखना, कहीं भाग नहीं जाए बैल। महावीर गहरे ध्यान में थे, सुना नहीं उन्होंने, अंतर चेतना में, अंतर भाव में डूबे हुए थे। जब वो लौट के आया किसान, तो उसने, उसके बैल वहाँ नहीं थे, उसे गुस्सा आया, उसे गुस्सा आया। उसने, जो किसान अपने बैल छोड़ के गया था, वहाँ अरहर के, अरहर का खेत था। अरहर जानते हो ना क्या होता है? अरहर की जो जो वो होती है, जड़ें होती हैं, बड़ी बड़ी
बड़ी कड़ी होती है, मतलब ऐसी होती है कि उनको चुभो दो तो बुरी तरह से चोट लगेगी आपको। तो अरहर का जो पेड़ होता है बड़ा मजबूत होता है, जब काटा जाता है तो 4-5 इंच की खूंटी बच जाती है। उसने वो खूंटियाँ निकाली वहाँ से, वो 2 खूंटी ला के उनके कान में गाड़ दी, रक्त की धारा बहने लगी। बहरा कहीं का सुनता नहीं है, मैं कह गया था बैल देखते रहना, अब कहाँ चले गए, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, निकम्मा कहीं का। और उसके बाद चला गया, लात मार के चला गया मूर्छित अवस्था में छोड़ के, समाधि में लीन योगी। वैद्य ने इलाज किया, सब कुछ किया, पर इधर उनको समाधि लग गई थी, उनका वो द्वार खुल गया था, वो द्वार खुल गया था। ऐसा क्यों हुआ, आपने आपका आपने किसी का क्या बिगाड़ा, आप तो शांत हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। हाँ मैं अहिंसक हूँ, पर उन्होंने घटना बताई सभी लोगों को, उपस्थित लोगों को, एक घटना सुनो मेरे जन्म की, मुझे समाधि लग गई है। तो समाधि लगने के बाद मेरे जन्म की घटना, मेरे पिछले जन्म की, मैं राजा था, सम्राट था मैं, किसान, ये जो किसान आया था जिसने मेरे कान, उनको पता चल गया कौन सी घटना घटी थी, किसान जो आया था वो मेरा नौकर था, मेरी पलंग को ठीक ठाक करता था, शैयापाल कहते हैं उसको, शैयापाल व्यक्तिगत सेवक था। एक दिन वो सम्राट वीणा बजा रहे थे, बड़ा अद्भुत संगीत, बड़ा सुखद स्वर, ये हमारा बालक राजकुमार है, ये वीणा भी इससे सितार बजाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं। ऐसे ही वो बजा रहे थे और वो सुन रहे थे, वो सुनते सुनते वो समाधि में चला गया शैयापाल, और वीणा सुनता रहा, बड़ा आनंद आया। सम्राट ने देखा कि ये शूद्र दास मेरी वीणा सुन रहा है, हद होती है, मूर्ख, एक सम्राट वीणा बजाए और उसका दास सुने। इस तरह उन्होंने कहा, चाओ लाओ इसके कानों में पिघला वसीसा डाल दो। उन्होंने उसके कान में पिघला वसीसा डलवाया, छटपटाया, पीड़ा हुई और मर गया। अब ये जो कर्म हुआ ना, इस कर्म का प्रतिफल चुकाए बिना आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। कानों में पिघला हुआ शीशा था और उसके बाद उसकी मरणासन्न हो गया, फिर मर गया, तो फिर फेंकवा दिया सम्राट ने। इस कर्म के कारण दास के मन में जो घृणा पनपी कि कैसा सम्राट है, हमने इसके जीवन भर सेवा की, इसका दासत्व किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जो घृणा पनपी। कबीर कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुए खाल की श्वास से मोटी हाय। बड़ी हाय लगती है, अंतरात्मा जो चित्कारेगी वो लगेगा। कहते हैं जो दुर्बल है वो तो जीवित है, फिर भी मुए खाल की श्वास से मरे हुए जानवर की खाल जो है तो धोखनी बनती है, उससे लोहा पिघला जाता है उससे। तो कहते हैं, कबीर कहते हैं, भोखनी होती है मुर्दे की खाल है, उसमें लोहा भस्म हो जाता है। तो जिंदा है दुर्बल व्यक्ति, इसकी हाय लगेगी तो इसकी श्वासों में जो गर्मी होगी, इसकी तड़प होगी, वो क्यों नहीं होगी। शैयापाल की तड़प, शैयापाल की घृणा, शैयापाल की का जन्म जन्मांतरों तक ट्रेवल करता रहा, अंततः वो मर गया। लेकिन घृणा सहज कर फिर किसान रूप में पैदा हुआ, जहाँ भगवान से सभी प्रेम करते थे, पहली दृष्टि में उन पर मुग्ध हो जाते थे, वहाँ शैयापाल ने, किसान रूपी शैयापाल ने देखा तो उसके मन में वो द्वेष, वो विक्षोभ, वो घृणा चरम में रूप में उभरी, और उसने बेल उसके भाग गए थे, उसने निकाल करके खूंटी गाड़ दी उनके कान में। लेकिन कर्म का परिणाम था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, महावीर ने स्वीकार कर लिया। महावीर ने कथा सुनाई, ये कारण है जिसके कारण उस किसान ने ऐसा किया, और उसने अकारण नहीं किया, उसने हमारा, हमने उसका आह्वान किया था, हे शैयापाल तुम जहाँ कहीं हो तुम आ जाओ, मेरे ज्ञान में मेरे बोध में तुम अटक रहे हो, तुम आ जाओ, तुम दंड दो मुझे, तुम मुझे मेरे किए का दंड दो अगर मैंने कोई कर्म किया हो तो। उनको कर्म याद नहीं आ रहा था, पर उनको दंड की बात याद आ रही थी। उन्होंने मुझ पर उपकार किया, अपने अभिशाप से, अपने कर्म से मुझे मुक्त किया। इस घटना के बाद महावीर महासमाधि को प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं कि कोई क्षण ऐसा नहीं, कोई काल ऐसा नहीं जहाँ हम और तुम नहीं थे, कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई काल ऐसा जहाँ हम और तुम नहीं थे। जीवन का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम किस रूप में रहेंगे, किन भावों के साथ रहेंगे, ये निर्भर करता है हमारे कर्मों के ऊपर। चेतना की किस अवस्था के साथ रहेंगे, हमारी स्थिति ऊर्ध्वगामी होगी, अधोगामी होगी, ये तय करेंगे हमारे भाव। भावों में कहीं कभी भी प्रदूषण मत आने दो, भावों में प्रदूषण मत आने दो, भावों में कभी भी दुर्भाव मत आने दो, किसी के प्रति भी द्वेष मत आने दो। हम किन भावों को वितरित कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है, उस कन्या की तरह, बुद्ध की तरह, या सम्राट की तरह, शैयापाल की तरह। हम क्या बटोर रहे हैं, क्या सहेज रहे हैं इस जीवन में, ये बराबर सोचते चलो। हम इसी जीवन में शुभ और अशुभ के पार भी जा सकते हैं, निष्काम कर्म करके, निष्काम कर्म करके हम जीवन के पार जा सकते हैं, न शुभ न अशुभ दोनों के पार जा सकते हैं, न पुण्यम न पाप्यम, न सौख्यम न दुखम न पुनर्भवम। पुण्य पाप सुख दुख के पार भी जा सकते हैं, निष्काम कर्म करके, ईश्वर के लिए अर्पित कर्म करके, प्रभु अर्पित कर्म करके हम संसार के सभी बाधाओं को चीर सकते हैं। हम करते क्या हैं इस पर निर्भर करता है। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में, युद्ध भूमि में परिवर्तित करते हैं या साधना भूमि में। हस्तिनापुर को हम क्या बनाते हैं, कौरव सभा बनाते हैं या सुधर्मा सभा बनाते हैं,
उस जमाने में दो ही सभाएं थी बड़ी प्रसिद्ध थी, एक कौरवों की सभा थी और अधर्मियों की सभा थी। अद्भुत शिल्प, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत सब कुछ था कौरव सभा में। बड़े बड़े महारथी बैठते थे पर वहाँ धर्म चर्चा नहीं होती थी, वहाँ कुटिलताओं की चर्चा होती थी, माया प्रपंच होता था। और द्वारका की सभा में सुधर्मों की, सुधर्म वासियों का काम करने वालों की, श्रेष्ठ धर्म की बात करने वाली सभा थी। सब कुछ छूट जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, बना बना ऐसा मत समझो कि सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ छूट जाएगा इस जन्म में, सब छूट जाएगा, सब बना रहेगा, हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे। हम चांसलर न रहें कोई बात नहीं, और तुम स्टूडेंट नहीं रहो कोई बात नहीं, हो सकता तुम में से कोई चांसलर बन जाए और हम तुम्हारे स्टूडेंट बन जाए, मालूम नहीं, अगले जन्म की बात कर रहे हैं हम तो, मालूम नहीं अगले के अगले जन्म में कभी कुछ ऐसा हो जाए। ये जो है भगवान कहते हैं गीता में कि बात यह है किस रूप में रहेंगे, क्या बनकर रहेंगे, कर्म किनको किन परिस्थितियों में ले जाएगा, वो राजा बनकर रहेंगे, रंग बनकर रहेंगे, पुण्यात्मा बनकर रहेंगे, पापात्मा बनकर रहेंगे, इसी जन्म में सोच लो। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतम परम, हम आज हैं भविष्य में भी रहेंगे, हम सब यहीं रहेंगे, पलट पलट कर फिर आ जाएंगे, क्या करके रहते हैं, हम सोचते हैं इसने हमारा नुकसान किया, इसने हमारा, अरे इस नुकसान को छोड़ दो मत सोचो इसके बारे में, दुर्भाव मत रखो किसी के प्रति, बस ये सोचो कर्मों का परिपाक हमें मिलकर रहेगा, परिस्थितियाँ हमारी कर्म की होती हैं, कर्म से हमारी परिस्थितियों का निर्माण होता है, कर्म टूट जाने पर हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, इसलिए हमें तप से, कर्म विवेक से, शुभ भावों से करना चाहिए, कर्म हमें तप से, शुभ भावों से और विवेक से करना चाहिए, शुभ कर्म के द्वारा अशुभ कर्मों को नष्ट करना चाहिए। सबसे बढ़िया काम हम कर सकते हैं इस जन्म में, हमारे पास जो समय मिला है, शुभ कर्मों के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा, शुभ विवेक के द्वारा अशुभ को नष्ट करना। चलो आरती के लिए आ जाओ। ओम यम ब्रह्मा वेदान्तविदो परम प्रधानम पुरुषं तथा विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितर्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै। ॐ जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणि हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनि कामाशक्तिहरा तत्वज्ञान विकासिनि तत्वज्ञान विकासिनि विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनि निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी करण रहस्य प्रदायिनि करण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा कारिणि मोद सदा भव भय हारिणि तारिणि भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनि नाशिनि तम रजनी नाशिनि तम रजनी देवी सद्गुणदायिनि देवी सद्गुणदायिनि हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनि हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते दया सुधा बरसामिनी मात कृपा की जे मात कृपा की जे हरि पद प्रेम दान कर दान कर अपनों कर लीजे समता त्याग सिखावनि हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी
प्रीतियों की रानी। ओम जय भगवत की जय, दया सुधा बरसा, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत की जय, जय भगवत की जय, जय भगवत की जय। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। हाथ ऊपर कर लें और इस भाव से कि हमने गीता का ज्ञान आज जो सुना है उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बेटा ये जो गीता का ज्ञान है ये अपने आप में बड़ा विलक्षण है। गीता अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ गीता जो है ना मोक्ष की ओर भी ले जाती है और हमारे रास्ते को सही बना देती है, रास्ते कठिनाइयों को सरल बना देती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं अवरोधों के रूप में। तुम कोशिश करना कि गीता का पाठ करो नहीं करो पर गीता के एक श्लोक को लेकर उसी का अर्थ को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुमको एक श्लोक लेके मैंने तुमको एक श्लोक ही समझाया डिटेल में, पूरा हर क्लास में डिटेल में समझाया। हमारे दो बच्चे जो हैं राज्य संस्कृति ज्ञान परीक्षा में उत्तराखंड राज्य में प्रथम आए हैं, गोल्ड मेडल मिला है इनको। धर्म विज्ञान से मनोज कुमार, धर्म विज्ञान से मनोज कुमार, और बीएड से अमित थपलियाल। सत्ता को बार बार प्रणाम। ओम नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।